जनक को आया होश। अनिरुद्ध ने जनक से कही अपनी दिल की सभी बातें। जी हाँ, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो जनक के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहाँ जनक अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है। बाहर अनिरुद्ध और आदित्य कपूर भी लड़ रहे होते हैं, अंदर जनक अपनी जिंदगी से लड़ रही है, बाहर ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जी हाँ, जनक का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है, जनक ठीक भी होने लगती है। जनक को होश आता है तो सबसे पहले अनिरुद्ध ही उनसे मिलने जाते हैं, और अनिरुद्ध जनक का हाथ पकड़ कर जनक से बहुत सारी बातें करते हैं और उन्हें अपने दिल की बात कहते हैं। कहते हैं जनक आई लव यू, लेकिन यहाँ पर जनक अनिरुद्ध के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। जैसे कि जितना अनिरुद्ध ने जनक को दुख दिया है, जितना कुछ जनक ने अनिरुद्ध के तरफ से झेला है, अब जनक भी उन सारी चीज़ों का बदला लेती नजर आएगी और अनिरुद्ध से कह देगी कि आप मेरा फैसला जानते हैं, मैं और आप कभी एक नहीं होंगे और आपके साथ मुझे अब जिंदगी का कोई लम्हा नहीं गुजरना है, आप जा सकते हैं। वहीं अनिरुद्ध जनक को कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे प्यार से समझाते रहते हैं जनक आई लव यू, लेकिन जनक उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। वह जनक भी सही ही कर रही है, इतना कुछ किसी के से झेलने के बाद कोई कैसे किसी के पास वापस चला जाएगा। वह इस चीज से सबसे ज्यादा खुश है तो वो है आदित्य कपूर। जी हाँ, आदित्य कपूर भी ऐसा नहीं चाहते कि अनिरुद्ध के पास वापस जनक जाए। वह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार जनक कब अनिरुद्ध के साथ वापस जाती है, क्या अनिरुद्ध सच में जनक को कन्विंस कर लेंगे। वह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी का क्या है कहना ये पूरी अपडेट पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।